नूरपुर क्षेत्र की मिल्क पंचायत के क्योड़दारिया के 74 वर्षीय सैनिक मिलाप चंद को अपने साथ हुए अन्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भूतपूर्व सैनिक मिलाप चंद ने बताया कि मैंने देश की सेवा की है, दुश्मनों को कभी भी बुरी नजर से अपने देश की तरफ नहीं देखने दिया, प्रशासन और प्रशासन की बेरुखी देख कर बहुत अफसोस लगता है। नूरपुर क्षेत्र की मिल्क पंचायत के क्योड़दारिया के 74 वर्षीय सैनिक मिलाप चंद को अपने साथ हुए अन्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भूतपूर्व सैनिक मिलाप चंद ने बताया कि मैंने देश की सेवा की है, दुश्मनों को कभी बुरी नजर से अपने देश की तरफ नहीं देखने दिया और शासन और प्रशासन की बेरुखी देखकर बहुत अफसोस होता है। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी मेहनत की कमाई से मिल्क पंचायत के क्योड़दारिया गांव में जमीन लेकर अपना आशियाना बनाया और खेती बाड़ी करके अपना और परिवार का पालन पोषण कर रहा था। हमारी जमीन से लगते PWD विभाग द्वारा वर्ष 2008 को सड़क का निर्माण किया गया। विभाग द्वारा सड़क किनारे पानी के लिए ठीक ढंग से नाली न बनाने के कारण सड़क में बरसात से आने वाला पानी मेरी जमीन से बहने लगा और धीरे धीरे इस पानी से मेरे खेतों को नुकसान होने लगा और खेतों के बीच बरसाती पानी से कटवा हो गया, जिससे मेरी उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचा। आज वह एक नाला बन चुका है। मैंने विभाग को इसके बारे में लिखित शिकायत भी दी और साथ में उसमें विधायक अजय महाजन से भी गुहार लगाई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया तथा साथ में ही एक पत्र विभाग को भी लिखा, पर विभाग ने कोई सुनाई नहीं की। आलम ये हुआ कि बारिश के पानी से नाला बन गया है। भूतपूर्व सैनिक मिलाप ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, साथ में ही मिल्क पंचायत को भी बताया। मिल्क पंचायत ने मौके पर ही प्रस्ताव पास करके PWD विभाग को भी बताया और अपने लेबल पर क्रेट लगवा दिए, पर क्रेट लगवाने के बावजूद भी भूमि में कटाव नहीं रुका और विभाग बेसुध सोया रहा और न ही सड़क के किनारों पर नाली बनाई गई। अब भूतपूर्व सैनिक मिलाप चंद बीमार है, आंखों की रोशनी भी कम हो गई है, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन से इंसाफ के लिए गुहार लगाने के लिए मजबूर है। कि मैं इस मामले के बारे में पंचायत के पास भी गया तो पंचायत वालों ने मेरी मदद की, तो पंचायत का जो कुछ भी था वो विभाग में लिख करके दिया, तो लोक निर्माण विभाग वाले बोलते हैं मेरे को कि आप जहां मर्जी जाने चले जाओ, ये यहां कुछ नहीं हो सकता। विभाग का कौन सा कर्मचारी, उसका नाम जानते हो आप? जे अनूप। तो अनूप जी से आपकी बात हुई तो अनूप जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि जहां मर्जी जाना चले जाओ, आपकी कभी ये काम नहीं हो सकता। आपकी कभी विधायक से बात हुई, किसी विधायक से? विधायक से भी बात हुई, विधायक ने अपना लेटर जॉब रिकमेंड करके भी उनको भेजा, उसका भी मुझे कोई जवाब नहीं आया आज दिन तक। जब मैंने RTI लगाई तो RTI का जवाब भी उन्होंने यही दिया कि ये काम नहीं हो सकता है, जहां मर्जी आपने जाना चले जाओ। मिल्क पंचायत के उप प्रधान इंदर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मिलाप चंद एक भूतपूर्व सैनिक है और उन्होंने मेहनत की कमाई से यहाँ जमीन ली हुई है और PWD विभाग द्वारा सड़क के किनारे नाली न बनाने के कारण इनके खेतों में बारिश का पानी जाने से इनकी जमीन में कटाव होने से नाला बन गया है और पंचायत की तरफ से क्रेट लगवाए गए। साथ में विभाग एक्सचेंज दीवान से भी मिले और इनकी समस्या की बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही काम हो जाएगा और उन्होंने जेई अनूप से बात करने को कहा, पर उन्होंने टाल मटोल ही की और ये भी कहा कि इनका काम बहुत पाचीदा है, नहीं हो सकता। उप प्रधान इंदर सिंह ने कहा कि सरकार से हमारा अनुरोध है कि जिस तरह एक सैनिक को सम्मान किया जाता है, उसी तरह इनकी समस्या का हल भी किया जाए। हमने इसके बारे में PWD विभाग के जेई से भी फोन करके बात की तो उन्होंने बताया कि सड़क के कार्य का टेंडर हो गया है और जल्द ही कार्य हो जाएगा। इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि विभाग तो कह रहा है कि कार्य हो जाएगा, पर जो मिलाप चंद की उपजाऊ जमीन विभाग की लापरवाही से बह गई और नाला बन चुका है, उसका जिम्मेदार कौन है? भूतपूर्व सैनिक की मेहनत खून पसीने की कमाई से खरीदी जमीन जो खेती लायक नहीं रही है, जो नाला बन चुका है, क्या विभाग उसका भरपाई करेगा? इंद्र सिंह उप प्रधान ग्राम पंचायत मिल्क से हूँ। ये जो मिलाप चंद जी हैं, ये भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने की पूरी उम्र अपनी मेहनत की कमाई से जगह परचेज की हुई है हमारे यहाँ पे, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क बनाई जाती है उसके साइड में जो नालियाँ बनी हैं उनका पूरा पानी जो इनकी ज़मीन में आता है। इन्होंने हमें ये मसला बताया था, हमने अपने पंचायत राज एक्ट के तहत इनके कुछ एक रेट वगैरह लगवाए हुए हैं, लेकिन अभी जो लोक निर्माण विभाग के और जो रोड है उसमें जो ड्रेन बननी है साइड से, वो तो लोक निर्माण विभाग ही बनाएगा ना। मैंने इनके साथ खुद जाके डिपार्टमेंट से बात की हुई है,
तो उन्होंने हमें लगातार ये आश्वासन ही दिया है कि इनका काम हो जाएगा, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मेरी जयराम जी की सरकार जी से यही अपील है कि ये जो मिलाप चंद जी हैं, इनको मतलब एक जो सैनिक को सम्मान दिया जाता है वो सम्मान देते हुए इनकी समस्या जल्द से जल्द हल की जाए। हाँ जी, हम जो हमारे नूरपुर सब डिवीजन के एक्स नैन के डिमांड जी, उनसे बात की थी, फिर हम उन्होंने बोला कि आप जो हमारे जेई हैं, जहाँ के टेक्निकल जेई होते हैं, जो अनूप जी हैं, उनसे मिलो आप। हमने उनसे ही बात की कि अनूप जी, इनका जो मसला है इसको हल कीजिए, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर है, इनकी मतलब जमीन जो है बह रही है काफी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।